तो चलिए सुनते हैं दोस्तों विनोद शंकर व्यास की कहानी कुटिल काग। भीगी लकड़ियों के कारण आग सुलगती नहीं थी। धुएं से कालिंदी की आंखें लाल हो उठी थीं। वह बार बार पंखी जलते हुए खींच उठी थी। चपला आटा गूंथ रही थी। उसने कहा था, लकड़ी है कि जान की आफत, थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दो। तेल अधिक खर्च होने पर आते ही प्रहार होने लगेगा, तुम तो जानती हो। फिर क्या किया जाए, बाबूजी के दफ्तर से आने का समय हो रहा है। भोजन तैयार नहीं रखने पर भी तो वही हाल होगा, चपला ने कहा। किसी तरह चैन नहीं, हम लोगों के भाग्य में ही लात जूता लिखा है, कालिंदी ने उत्तर दिया। रसोई घर के किवाड़ से छिपे हुए महादेव ने सामने आते हुए पूछा, क्या कहा, लात जूता? अरे तुम दोनों की चाल ही ऐसी है, अभी घर में चला आया और किसी को मालूम नहीं। इसी तरह चोर आकर सामान उठा ले जाता तो क्या होता। कालिंदी और चपला दोनों भयभीत होकर कार्य कर रही थीं। महादेव ने कालिंदी से पूछा, बहू आम कहाँ से आया था? आम तो कहीं से नहीं आया, कालिंदी ने कहा। खरीदा था? नहीं। फिर झूठ? तीनों मौन एक दूसरे को देख रहे थे। महादेव की आंखें टॉर्च के प्रकाश की भांति उसे खोज निकालना चाहती थीं। वो घूरेर कर देख रहा था। उसने कहा, मैंने 500 बार कहा है कि झूठ से मुझे घृणा है। मैं कहता हूं कि घर में आम आया था। मैंने दरवाजे में गुठली देखी, घर में छिलका देखा, उस पर भी सफेद झूठ छिप सकता है? चपला ने वातावरण शांत करने के लिए कहा, बाबूजी मैंने खरीदा था। महादेव ने बेलना उठाकर कालिंदी की पीठ पर जमाया। दो बार धमाका हुआ, वह चला गया। कालिंदी ने सिसकते हुए भोजन बनाया और भोजन के समय भी अनेक टिक्का व्यंग का उसे सामना करना पड़ा। रोटी कड़ी है, दाल पतली है, तरकारी में नमक कम है आदि। प्रतिदिन के प्रयोगों से कालिंदी परिचित थी। गृहस्थी के सब कार्यों से अवकाश पाने के बाद कालिंदी अपने ससुर का पैर दबाती, तलवे में तेल की मालिश करती, किंतु महादेव कभी उससे संतुष्ट नहीं रहता। कभी उसका पुत्र सुखदेव छुट्टी लेकर पिता से मिलने आता तो अपनी पत्नी कालिंदी के गुणगान से उसकी तबीयत झल्ला उठती। तीन चार दिन की अगर छुट्टी लेकर आता तो दूसरे ही दिन चला जाता था। दफ्तर में भी महादेव को चैन नहीं मिलती। बड़े साहब क्या कहते थे, छोटे बाबू उनके बारे में क्या कहते हैं, इस तरह की बातों में ही उसका अधिकांश समय व्यतीत होता था। बड़े बाबू होते हुए भी उसकी तुच्छ बुद्धि से दफ्तर के सभी कर्मचारी परिचित थे। उसकी नौकरी का समय पूरा हो चुका था, लड़ाई के कारण 2 वर्ष और ठहर गया था। प्रोविडेंट फंड का रुपया लेकर वह काशी या वृंदावन में अपना समय व्यतीत करेगा। सहसा एक दिन अंधेरी रात में कालिंदी लोप हो गई। महादेव ने बहुत खोज की लेकिन उसका पता नहीं लगा। उसने कई जगह तार दिए, कोई समाचार नहीं मिला। कालिंदी के चले जाने पर महादेव का व्यवहार अपनी पुत्री चपला के प्रति कुछ सरल अवश्य हुआ था, किंतु वह अपनी प्रकृति से विवश था। उसके हृदय में शांति नहीं थी, वह सदैव झुंझलाया हुआ खिन्न रहता। काम में उसका मन नहीं लगता, साहब भी उससे असंतुष्ट रहता था। जिस दिन नौकरी से अलग होकर महादेव जाने लगा, उस समय दफ्तर के सभी लोग उसकी प्रशंसा और सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। उसके जाने के बाद अनेक कर्मचारियों ने मंदिर में जाकर अपनी मनोती पूरी की। 40,000 रुपए नकद लेकर महादेव तीनों लोक से न्यारी काशी नगरी में आ पहुंचा। बाप दादों के खंडहर में फिर दीपक जलने लगा। दीपक ही नहीं, बिजली के बल्ब झगमगाने लगे। परिचित और पड़ोसियों को संडास की जगह टाइल लगा हुआ साइपन का पखाना दिखाकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती। जीवन भर एकत्र सामग्री अपने निजी घर में व्यवस्थित करके महादेव को संतोष हुआ। चपला का ससुराल भी समीप में था, दिन में 2-1 बार आ जा सकने की सुविधा थी। चपला का पति बड़ा सीधा और सरल था। वह अपनी पत्नी से केवल 1 वर्ष अवस्था में पड़ा था। महादेव की कोई आज्ञा अस्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था, वो उसके संकेत पर चलता था। देव की माया असमय में ही वो चल बसा, महादेव के ऊपर वज्रपात हुआ। इस वृद्धावस्था में निश्चिंत होकर वह दिन काटना चाहता था, किंतु विधाता की इच्छा।
चपला ससुराल में न रहकर महादेव के साथ ही रहती थी। पति की मृत्यु का प्रभाव उसके ऊपर नहीं दिखाई देता था, कारण पति उसके पसंद का नहीं था। यहाँ तक कि छोटी अवस्था के कारण पिता की आज्ञानुसार उसने चूड़ियां फिर पहन ली। उसकी रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जवानी की अटखेलियों में अंगड़ाई लेती हुई चपला पड़ोस के एक युवक की आंखों में जा बसी। स्नेह का आदान प्रदान होने लगा, घनिष्ठता बढ़ी। वह युवक उसके यहाँ प्राय आने जाने लगा। सब कुछ समझते हुए महादेव अनभिज्ञ बना रहा। संतान की ममता में फंसकर चपला का विधवा विवाह तक करने के लिए वह प्रस्तुत था, किंतु उसके पहले ही चपला ने अपनी व्यवस्था कर ली। एक दिन कुछ आभूषण और रुपए लेकर वह भी अपने प्रेमी के साथ खिसक गई। पुत्र वधू और पुत्री के इस तरह निकल जाने पर समाज से जो लांछता मिली उसे महादेव विष की घूंट की तरह पी गया। वह दूसरों के संबंध में सदैव टीका टिप्पणी करता, अपनी जाति में व्यवस्था देता। अब स्वयं उसका मस्तक नत हो गया। अपनी पतन की कहानी का रूप ही उसने ऐसा बदल दिया था कि उन रहस्यों को कोई समझ न सके। फिर भी दुनिया में अनुसंधान करने वालों की संख्या अधिक है, वे सब जगह अपनी दृष्टि दौड़ाते रहते हैं। महादेव का दरबार लगता, इसमें उन्हीं लोगों की संख्या अधिक थी जो दूसरों के यहाँ क्या होता है पर ही वाद विवाद करने के अभ्यस्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी जमीन और मकान खरीदने और बेचने वाले दलाल भी वहाँ दिखाई पड़ते। महादेव मकान या बगीचा खरीदता और अच्छा दाम मिलने पर उसे बेच देता। इस तरह बैठे बैठे उसने अपनी पूंजी दुनी तिगुनी कर ली थी। बहुत दिनों से पत्र व्यवहार के बाद उसने अपने पुत्र का दूसरा विवाह भी कर दिया, लेकिन इस बार सुखदेव अपनी पत्नी को अपने साथ ही ले गया। महादेव की आशा के विपरीत यह कार्य हुआ। वह सुखदेव से रुष्ट हो गया। दोनों के मन की मलिनता इतनी बढ़ गई कि कुछ दिनों में पिता का पत्र व्यवहार तक बंद हो गया। नौकर दाई और महाराजिन के साथ महादेव का जीवन चैन से कट रहा था। महाराजिन का आधिपत्य इतना बढ़ गया था कि महादेव उसके संकेत पर चलता। लोगों को 70 वर्ष के इस बूढ़े के कृत्य पर आश्चर्य होता। जब कोई उसकी रसिकता पर चुटकी लेता तो महादेव गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करता। कभी नौकर तलवे में मालिश करता, महाराजिन सिर दबाती और बैठे हुए लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। अफीम की पिनक में महादेव अपने संसार को हरा भरा देखता। कई वर्ष बीत गए। सुखदेव का पत्र आया था कि वह नौकरी से अलग हो रहा है। अवधि पूरी हो चुकी थी, अब वह क्या करे। इस संबंध में वह पिता से परामर्श चाहता था। महादेव ने कटु भाषा में पत्र का उत्तर दिया। अंत में उसका आदेश यही था कि यहाँ आकर उसके साथ ही वह रहे। सुखदेव जानता था कि सम्मिलित रूप से उसके साथ रहना कठिन हो जाएगा, फिर भी परिस्थितियों के कारण विवश होकर उसे आना पड़ा। पिता की रहन सहन को देखकर वह मन ही मन असंतुष्ट हुआ। उसे ऐसी आशा नहीं थी कि इतनी अवस्था में भी महादेव की प्रवृत्तियों में परिवर्तन न होगा। उसकी विलास प्रियता पहले से बढ़ गई थी। वह अपनी पत्नी के साथ चुपचाप सब देखता रहा। उसकी पत्नी जब कान में कुछ भुनभुनाती तब वह चौंकना होता। एक दिन अनायास ही उसकी पत्नी पर महाराजिन गरज उठी। पहले तो वह चुप थी, लेकिन असभ्य होने पर उसने भी उत्तर दिया। बात बढ़ती गई। सुखदेव ने खड़े होकर महाराजिन को फटकारा। महाराजिन के विलाप के कारण महादेव भीषण रूप बनाकर सामने आया। उसने घृणित शब्दों का प्रयोग किया। सुखदेव के सहन के बाहर की बात थी। उसने भी उसी स्वर में ललकारा। महादेव ने कांपते हुए डंडे का प्रयोग किया। घटना का क्रम इस तीव्रता से बढ़ा कि सभी को आश्चर्य था। अंत में थाना पुलिस मुकदमा की बातें होकर वातावरण शांत हुआ। महादेव ने खर्चा देना भी बंद कर दिया। सुखदेव अपनी रसोई अलग कर ले, ऐसी उसकी आज्ञा हुई। बुड्ढा सदैव व्यंग बोलता और लोगों से सुखदेव की निंदा करता। सुखदेव उब उठा था। घर रहना उसका कठिन हो गया। वह ज्योतिषियों के यहाँ अपने पिता की कुंडली लेकर जाता और पूछता कि इनकी आयु कितनी है। कोई कहता जल्द ही समाप्त हो जाएगी, कोई कहता अभी 2-4 वर्ष इसी तरह चलेगा। बूढ़े के बाद सुखदेव का जीवन सुखमय होगा।
इसी कल्पना में दिन कट रहे थे। घर में पड़े पड़े घबरा कर एक दिन सुखदेव अपनी पत्नी को सिनेमा दिखाने के लिए ले गया। लौटने पर बुड्ढा क्रोध से लाल हो उठा था। रात भर किसी तरह पलंग पर पड़ा था। सुबह तड़के ही उठकर उसने पूछा, क्या यही हमारे घर की चाल है कि औरत मुंह खोलकर सड़क पर चले? सुखदेव भी उत्तेजित हो उठा। उसने कहा, क्या यही हमारे घर की चाल है, लड़की और बहू घर से निकल जाए? वातावरण कोलाहल से पूर्ण हो उठा। पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। सब लोगों के समझाने का कुछ प्रभाव न हुआ। छत पर बैठे कौवे कांव कांव कर रहे थे और बूढ़ा कुटिल काग बहुमत अपने पक्ष में करने की चाल सोच रहा था। तो दोस्तों, ये विनोद शंकर व्यास की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा।